रायपुर में लव जिहाद के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। शहर के फायर ब्रिगेड चौक पर महिलाओं समेत युवाओं ने लव जिहाद के विरोध में जमकर नारेबाजी की और निकिता के हथियारों को सजा देने की मांग के साथ विरोध में कलेक्ट्रेट तक पैदल रैली निकाली। बजरंग दल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर हथियारों को फांसी देने की मांग की है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा बहन निकिता के न्याय के लिए समस्त हिंदू समाज से और बजरंग दल के कार्यकर्ता उस न्याय रैली के लिए हम कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आज सड़क पर उतरने की बात इसलिए हुई है कि देश भर के अंदर में हम देख रहे हैं कि लव जिहाद के नाम पर हिंदू कन्याओं के साथ में एक धोखे जैसा काम किया जा रहा है। लगातार भारत देश की लड़कियों के साथ अपराध बढ़ता जा रहा है। मैं भारतीय न्याय व्यवस्था और भारतीय संविधान और भारत सरकार से पूछना चाहती हूँ कि भारत देश में भारत की बेटियों को जीने का अधिकार है कि नहीं है। उनको अगर सरकार उचित कानून व्यवस्था नहीं दे सकती, उनको अगर दोषियों को उचित कार्रवाई नहीं कर सकती, उनको दंड नहीं दे सकती, तो भारत की बेटियों को अधिकार दे कि वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़े, हथियार उठाएं और आगे आएं। बजरंग दल ने आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे निकिता को इंसाफ मिल सके। TCP 24 के लिए नितिन नामदेव की रिपोर्ट।